विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाने वाला संक्रामक रोगों का एक समूह है और रोकथाम, निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना है। आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल सक्सेना। तो आइए जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर प्रत्यारोपण सर्जन नागपुर। हेपेटाइटिस अगर हम साधारण भाषा में जाने तो लिवर का इन्फेक्शन है। काफ़ी सारे वायरसेस हैं जो लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और उसकी वजह से लिवर के अंदर में इन्फेक्शन होता है, काफ़ी सारी प्रकार के चेंजेस होते हैं जिसे हम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक कैटेगरी में वो बीमारी है जो खराब खाना खाने या खराब पानी पीने से फैलती है। दूसरी कैटेगरी में वो बीमारी है जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या के से फैलती है। सो पहला जो कैटेगरी मैंने बताई, खराब खाना या खराब पानी पीने से फैलती है, उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई आता है। जो दूसरी कैटेगरी है जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से फैलती है, उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को हम रख सकते हैं। आपने जैसे बताया कि एक इन्फेक्शन का प्रकार है, तो इसमें जैसे लीवर के इन्फेक्शन में लीवर एब्सिस, लीवर सिरोसिस ये भी होते हैं, तो ये ही हेपेटाइटिस के ही प्रकार है क्या? नहीं, लिवर एब्सेस जो है वो लिवर में मवाद होना, उसे लिवर एब्सेस बोला जाता है। लिवर सिरोसिस अग्रिम एडवांस स्टेज है लिवर खराब होने की। जैसे मैंने बोला कि जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, जो ब्लड से, ब्लड प्रोडक्ट से, एक दूसरे की सीरिंजेस नीडल यूज करने से फैलता है, उसमें लिवर खराब होता है और वो आगे की स्टेज में जाकर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। हेपेटाइटिस जो अभी मौसम है, बारिश का मौसम है, इसमें लोग कुछ गलत खाने में आता है, गलत पानी पीने में आता है, तो उससे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फैलता है। ये बीमारी सभी उम्र के लोगों में मिल सकती है, बच्चों में भी मिलती है, जो जवान लोग हैं उनमें भी मिलती है, जो बुजुर्ग हैं उनमें भी मिलती है। इसमें पेशेंट एकदम से बीमार हो जाता है, उसको पीलिया हो जाता है, बुखार आने लगता है, लेकिन ये बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती है। बट अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो ये आगे जाके सीवियर हो जाती है, जिसमें फिर लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लिवर फेल हो जाएगा तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसमें 10 से 15 साल के बाद में लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। जब और इस लिवर सिरोसिस की वजह से लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो देखा जाए तो दोनों ही बीमारियाँ सीवियर हैं, दोनों ही बीमारियाँ गंभीर हैं। सिर्फ एक हेपेटाइटिस ए और ई जो है उससे एक्यूट प्रॉब्लम जो आज के टाइम में प्रॉब्लम आएगी, जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है उससे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो मुख्यतः इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण जो हम कहते हैं ये क्या पाए जाएंगे? जैसे लिवर की बीमारी का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो भूख नहीं लगने से शुरुआत होती है। पेट में नॉन स्पेसिफिक सा दर्द होता है, किसी भी कोने में पेट के दर्द हो सकता है। जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो पीलिया होता है। उसके बाद में अगर ये बीमारी पेशेंट जो है वो एकदम आलसी सा हो जाता है, उसका कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, घर पे बिस्तर पे पड़ा रहना चाहता है, अगर यही और बढ़ जाए तो खून की उल्टी, काले रंग की लैटरिन, उसके बाद में एक गफलत जैसी कंडीशन, कन्फ्यूजन जैसी स्थिति, ये सब भी आगे होने के चांसेस हैं। अगर ये को अगर दिख रहा है सिम्टम्स तो उसको हेपेटाइटिस होने की शक्यताएं हैं, तो उसने तुरंत लीवर के जो तज्ञ हमसे यानी के कंसल्ट लेना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल, देखिए बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। बट जैसे ही हमको बीमारी के लक्षण मिल रहे हैं, जैसे ही हमें तकलीफ शुरू हुई है, वैसे ही आप अपने पास में डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें। जी, अगर उपचार संदर्भ में अगर हम बात अगर करें तो हेपेटाइटिस ये जो इन्फेक्शन है इसके उपचार संदर्भ में कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इन बीमारियों को से बचा जा सकता है।
सो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए साफ सुथरा खाना खाना है, साफ सुथरा पानी पीना है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन मौजूद है, तो हम जितने हम डॉक्टर्स हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हम सब ने वो वैक्सीन ले रखी है। हम जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं, हम उनको भी बताते हैं कि आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी चाहिए, ये बीमारी पूरी तरीके से टाली जा सकती है। हेपेटाइटिस सी अगर होता है उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है। सो बहुत अच्छी दवाइयाँ बन गई हैं जिससे कि हेपेटाइटिस ई का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी, आपने जैसे कहा कि खराब खाना और खराब पानी पीने से हेपेटाइटिस हो सकता है, तो बहुत सारे लोग अगर बात करें मध्य भारत में और इधर की अगर बात करें महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो ये हेपेटाइटिस होने के कितने यानी कि कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, अल्कोहल लेते समय अगर हम खराब साथ में खाना खाते हैं या खराब पानी साथ में पीते हैं तो हेपेटाइटिस ए ई होने के चांसेस हैं। बट अल्कोहल के अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। आप जानते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा लंबे समय तक लेने से पैनक्रियाज की, लिवर की अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सो अल्कोहल तो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, उसके साथ अच्छा पानी लिया जाए, अच्छा खाना खाया जाए तब भी वो खराब है, और उसके साथ अगर हम खराब खाने में कुछ आता है, खराब पानी पीते हैं तो भी उससे तकलीफ होगी। आज का इस तरह का माहौल बन चुका है, कोविड और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को इस तरह के आ चुके हैं कि ह्यूमन बींग को अगर कोई भी तकलीफ अगर हो रही है तो उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं वो यानी कि देखने की कोशिश कर रहा है। तो हेपेटाइटिस ये अगर किसी को होता है तो क्या कहेंगे आप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हेपेटाइटिस आ सकते हैं? देखिए, कोविड के बाद में लिवर में थोड़े से चेंजेस मिलते हैं, लिवर के जो एंजाइम्स हम बोलते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, पीलिया होने के चांसेस हैं, बट ऐसी ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। कोविड ठीक होने के बाद में नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते में जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। सो अगर अभी तो हमारे शहर में और मध्य भारत में कोविड के केसेस कम हो गए हैं, सो अभी आज की तारीख में अगर हमें कोई हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसका कोविड से संबंध बनाना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। सर, अगर आपके बारे में अगर बात अगर की जाए, आपने नागपुर में और नागपुर के बाहर भी अनगिनत लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं और अनगिनत लीवर जो है आपके तरह से लीवर डोनेट करके बहुत सारे लोगों ने डोनेट करके उनको भी जीवनदान मिला है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, हमारी टीम मध्य भारत की पहली टीम थी जिसने लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ शुरू किया। पहला डेड आदमी से जो लिवर ट्रांसप्लांट था वो भी हमारी टीम ने किया है। पहला एक जिंदा आदमी से लिवर ट्रांसप्लांट जिसे लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं वो हमारी टीम ने किया है। इसके साथ ही पहला किडनी और लिवर का एक साथ ट्रांसप्लांट वो भी हमारी टीम ने किया है। सो अभी भी हम कोविड के समय में भी हम कंटिन्यूसली लिवर ट्रांसप्लांट्स करते रहे हैं और पेशेंट्स को इसका बेनिफिट मिल रहा है। जो लिवर के पेशेंट्स हैं, जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स हैं, उनमें जितना रिस्क कोविड होने का है उतना ही रिस्क बिना ट्रांसप्लांट के, बिना ट्रीटमेंट के मरने का भी होता है। सो उनके लिए कोविड हो कुछ ना हो, लेकिन उनके लिए इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है और हम वही कर रहे हैं। जी, हेपेटाइटिस, आज हेपेटाइटिस डे है, इस विषय पर जनता को क्या आप एक संदेश अपने माध्यम से देना चाहेंगे? मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने खान पान का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा पानी पिएं। अगर हमारे पास में बहुत महंगे आर ओ फिल्टर्स लेने का क्षमता नहीं है तो सादा पानी, नल से आया हुआ पानी उबाल के यूज़ करें, इससे हेपेटाइटिस ए ई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई तकलीफ है, अगर पीलिया होता है, अगर आपको लगता है कि भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द है, पीलिया है, इस तरह का कुछ होता है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जिन दवाइयों के लिए वैक्सीन या टीका उपलब्ध है, जैसे हेपेटाइटिस बी, उन बीमारियों का टीका लेना आवश्यक है। और अगर कुछ भी होता है तो एक लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जो भी बीमारी है उसका इलाज आज की तारीख में पॉसिबल है, उसका इलाज हो सकता है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।